हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं ब्लॉग बहुत लेट शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज हम सड़क की तरफ आ रखे हैं और ये है हमारी टीम बच्चा पहाड़ी। तो चलते हैं, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ का। ये देखो, ये हमारा छतरी लड़का, ये दोनों भाई बहनों का प्यार। बताओ, अरे आड़ू है ऊपर, आड़ू लेने चलते हैं। अभी होंगे कर देना। हम चोरी करने जा रहे हैं, वो भी किसकी? अखरोट की। तो हम बताते हैं कि गांव के बच्चे मैं गिर गई थी और मेरा कीचड़ में पैर खराब हो गया। आगे से नाक नाक हो गया। तो मैं फाइनली अखरोट का पेड़ मिल चुका है, अब हम उसमें हमला करने जा रहे हैं। आगे से देखो कितने सारे लोग हैं, ये देखो छोटे छोटे बच्चे। चलते हैं दादाजी। और यहाँ से पानी निकल रहा है और मैं अपने पैर धो रही हूँ। कितना ठंडा पानी है ये। अखरोट का पेड़ और ये है मानसी। तो अभी वो थोड़ा कुछ करके नहीं आई है ना, इसलिए फेस छुपा रही है। बट ये हमारी टीम है, हमारे ट्यूशन के बच्चे हैं। ये है मेरा पति देव, देवो के देव महादेव। बोले ये अखरोट के पेड़ में पत्थर मार रहे हैं। ये छमारी छमक छलो, ये अपना तरीका अपना रही है, बट इसके बस का तो है नहीं। ए और ये है मेरा, खो गया, ये है मेरा शॉट, जरूर लगेगा। ये आप अबे ऐसे मार दोगे ना, हम तो तुम्हारे कुत्ते में इतने लगाए तब भी। मैंने एक अखरोट निकाल दिया अपना। अरे मत, कोई होगा नीचे तो वो पड़ गया। कितना बड़ा, जारी कोशिश है हमारी, कोशिश जारी है। सॉरी गिर देखो, ये हमारी टीम का अखरोट है ना, ये देखो ये देखो ये देखो, और गया वो नीचे। आप ध्यान से देखोगे अखरोट के पेड़ है, इसमें अखरोट लगे हुए हैं। ये देखो सर, हां फेंक 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 फेंक, ये देखो ये देखो गया का और पेड़ है का नहीं रहा। नीचे 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 देखो, सबको ये देखो, ये बेटा काम आने एक निशाना। अह ये कंपटीशन लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये देखो ये यार कुछ तो चला आ ही गया अखरोट। ये देखो हमारे मजदूरी, ये हम जा रहे हैं अखरोट लेने नीचे। तुम बताओ, मैं तो आऊंगी। तुम बचाओ या भेल हो? नहीं, अरे अखरोट दिखाने हैं ना, बचाओ मैं भेल टूट जाएगा। बल भेल क्या होता है, जान जमीन धस जाएगी। बल बचाओ, ये लड़की बहुत बोलती है। रास्ता बहुत ही खतरनाक है।
तो मैं नीचे नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से। ये है, ये लेने जा रहे हैं अखरोट, और रास्ता बहुत ही ज्यादा भयंकर है ये। मेरा पैर फिसलने वाला था। चलो मैं ऊपर जाती हूँ। देखो ये सब लेने चले गए अखरोट। और यहाँ पे ये इंतजार कर रहे हैं अखरोटों का। यहाँ पे हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने अखरोट के लिए भी मेहनत करी है। फ्री में नहीं मिलती हर चीज, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अखरोट हमने पत्थर मार मार के तोड़े, तो देखते हैं उनका टेस्ट कैसा है। ये देखो अखरोट ढूंढ रहे हैं नीचे। नहीं मिले क्या? इतनी मेहनत के बाद उन्हें एक भी अखरोट हासिल नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मेहनत करनी चाहिए, पर हम फिर से मानेंगे। और ये हमारा छोटा सा बंदर, यह अपनी खुदाई पे लगा हुआ है। वेट करते करते हमें नींद आने लगी है, पर अभी तक उन्हें एक भी अखरोट नहीं मिला है। बदतमीज इंसान, पता नहीं कब आएंगे। लाओ, कब लाओगे? अखरोट आएंगे भी कि नहीं आएंगे मुझे तो ये भी नहीं पता। अरे कब आओगे रे? अच्छा व्यू आ रहा है, उस साइड धूप है और नीचे छांव है। अच्छा व्यू है। और आप अगर ध्यान से सुनेंगे ना, तो यहाँ से नीचे पानी जा रहा है और पानी की आवाज भी आ रही है, बट अभी तक हमें अखरोट नहीं मिले हैं। आधा घंटा हो गया हमें यहाँ बैठते बैठते, बट इनको अखरोट नहीं मिले हैं। ये देखो हमारा एक टीम मेंबर आ चुका है ऊपर। मिले अखरोट 6-7? मंदिर का पता ही। इतनी मुश्किल से सबके पास एक एक अखरोट आए हैं। और ये कौन सा अखरोट है? वही है, दिखा ना। ये देखो ये इसकी बाहर का वो है और इसके अंदर अखरोट है। तोड़ने देना मुझे, लड़ाई होगी ऊपर। पर कोई नहीं, मुझे अखरोट मिल चुका है, मैं इसे खाऊंगी। अखरोट टेस्ट करते हैं। वैसे मैंने पहले बहुत खा लिया। अखरोट तो बेलने के कैसे का मस्त इसमें नहीं आ रहा है। सब लोग ले रहे हमारे साथ। बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है। उन्होंने बोला कि बस भाग गए यहाँ पे, और हम ऐसे भागे। बारिश भी आने लग गई है। ऐसे क्यों बोला? मैंने बोला दादी ने अंडे लेने के लिए पैसे दिए। चलते हैं घर की तरफ। अरे मेरे कपड़े बाहर हैं, बारिश आ रही है। घर चलते हैं। अबे यार तुम मत बोलो बार बार, उसका नाम क्यों ले रहे हो? भद्रा बोलो। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आसमान देखो, बारिश आ रही है, बहुत हल्की हल्की बूंदे आ रही है।
चुकी है और ये पीछे के हमें डरा रहे हैं। घर भी नहीं आ रहा है यार इतनी जल्दी, मतलब थोड़ा डर सा लग रहा है तो घर नहीं आ रहा है। अगर पत्थर किसी के सर पे लगाना फिर मैं तीन चार बार लगाऊंगी। चार हिस्से करती सर के तक उसका डायलॉग। अब हम धारे जा रहे हैं, तो धारे के लिए पहले चढ़ाई करनी पड़ेगी हमें। और ये है हमारा पानी का धारा, ये हमारा नेचुरल पानी आ रहा है। आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और एक हेल्दी लाइफ जियो। बाय।